टेलीफोन पे बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, आप लोगों से मिलते हैं अलग अलग लोगों से 2-3 घंटे, खाने का 1 घंटा, सबसे ज्यादा जो टाइम है वो आप देते हैं सोने को। और मैं एक चीज कहता हूं, सोने का पोस्चर अगर सही है तो यकीनन आपने 50% पुरुषार्थ कर दिया अपने हेल्थ को लेके। अब सोने के पोस्चर को समझिए, सोने के अलग अलग पोस्चर है। सबसे पहले जैसे आप मान लीजिए राइट करवट में सो रहे हैं, ये पोस्चर में हम कई लोग सोते हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर कर लेते हैं, इस करवट में सो रहे हैं। इस करवट में एक चीज देखिए, जब आप सो रहे हैं आपकी ब्रीथ नाभि तक आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो नेसेसरी एडजस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका हाथ गलत दिशा में है या आप कुछ ना कुछ नेगेटिव पोस्चर में है, बस एक चीज चेक कीजिए नाभि तक ब्रीथ आ रही है या नहीं आ रही है। भले आप राइट करवट में सोवे या लेफ्ट करवट में सोवे, आपके ब्रीथ नाभि तक आती है या नहीं आती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रात को सोते वक्त आपकी ब्रीथ नाभि तक आ रही है तो डोंट वेरी, आपका सोने का पोस्चर एकदम सही है। अब सोने के कुछ गलत पोस्चर देखिए, जैसे पांव में ऐसे क्लबिंग कर दिया, पांव पे पांव रख के सोते हैं कुछ लोग, कुछ लोग पिलो के नीचे हाथ देके सोते हैं, ये सब गलत पोस्चर है, इनको आपको सही करना पड़ेगा। क्योंकि 8 घंटे आप नींद लेते हैं, उन 8 घंटों में आपकी बॉडी सही तरीके से ब्रीथ ले रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है या नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोस्चर, सिर्फ एक चीज रात को सोते समय ध्यान रखिए कि आप 2 करवट में सोए, या जो लोग धर्म के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं वो योगी की तरह सीधा सोए, तो 2 करवट में अगर आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है तो आप राइट हैंड को नीचे दबा के सोए, लेफ्ट हैंड फैन की साइड हो, इससे आपकी बॉडी को कोल्ड होगा। और अगर अन्य अवस्थाएं में आप लेफ्ट हैंड नीचे दबा के सोए लेकिन ब्रीथ नाभि तक आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा, जब आप खाना खाए 1 घंटे बाद में, जब भी आप फ्री टाइम हो, सुखासन जिसे हम पालती बोलते हैं, पालती मान के बैठ गए फिर लेट जाइए। सुखासन में जैसे आप बैठते हैं उसके बाद में आप लेट जाइए। अब देखिए इससे होगा क्या, बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आएगा। तो जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, जिन लोगों को लंग्स की तकलीफ है, जिन लोगों को टमी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम इस पोस्चर से सही होगी। सिर्फ 30 मिनट धीरे धीरे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करके 30 मिनट तक, जैसे आप सुखासन में बैठे हैं जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं पालती मान के बैठना, वो बैठ के आप सो जाइए, तो ये आपके अपर पोर्शन के लिए बहुत यूजफुल होगा। हर व्यक्ति को दिन में 15 से 30 मिनट तक ये चीज करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको कोई हार्ट की या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टमी फैट घटाना है या कोई एब्डोमिनल करना है, तो जैसे आप फोल्ड करते हैं अपने हाथों को, ऊपर के हाथ इसमें फोल्ड कर दीजिए, सुखासन में लेट जाइए और ऊपर के हाथ फोल्ड कर दीजिए, तो सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके टमी साइड में आएगा, इससे आपकी टमी फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सोने का पोस्चर जो है वो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक आपकी ब्रीथ जो है वो नाभि तक चलनी चाहिए, दूसरा दिन में जिन लोगों को अपर पोर्शन में, वेस्ट की अपर लाइन ऊपर की साइड में कोई प्रॉब्लम हो, टमी प्रॉब्लम हो, तो वो लोग इस तरीके से सो सकते हैं। इस तरीके से सोने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर आएगा और सब चीजों को ऑटोमेटिकली सही कर देगा। ये चीज हो गई। अब वापस आता हूं मैं स्वर विज्ञान पे। आप जब मंत्र जाप करते हैं, आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनका सूर्य स्वर चल रहा है तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रेस्ट करेंगे, उनका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। और यही जब आप चंद्र स्वर में बैठे हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कई बार आप प्रैक्टिस करते होंगे, कभी तो बच्चा एक ही बार में चीज को ग्रेस्ट कर लेता है, कभी वो 3 बार 4 बार 5 बार वो करता है, तो उसको समझ में नहीं आता है।
तो इस चीज को समझिए, मैं नहीं कहता कि बच्चे चेक करें सूर्य स्वर चंद्र स्वर, इस चीज को हम ये समझे कि जो हमारा राइट स्वर है जिसे हम सूर्य स्वर करते हैं वो थोड़ा एक्टिव है और फास्ट है, और जो लेफ्ट का स्वर है वो थोड़ा स्लो है। तो जो भी आपको फास्ट वाले काम करने हैं वो राइट वाले स्वर में कीजिए, और जो भी स्लो काम है जैसे आपको ध्यान में बैठना है तो आप चंद्र स्वर में बैठिए, आपको मंत्र जाप करना है आप सूर्य स्वर में कीजिए तो वो ज्यादा फल देगा। आपको किसी आदमी से अपना काम निकलवाना है, किसी आदमी से अपना काम निकलवाना है तो इस तरीके से बैठिए कि वो आपका जो स्वर चल रहा है उस साइड हो। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया और मेरा सूर्य स्वर चल रहा है तो मुझे इनसे कुछ काम है तो मैं इस साइड चेयर लगाऊं ताकि ये मेरे राइट हैंड की साइड में रहे, और अगर मान लीजिए मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है और मुझे इन भाई साहब से काम है तो मैं चेयर इधर लगाऊं, क्योंकि जो आपका स्वर चलेगा वो एक कन्विंसिंग पावर पैदा करता है। अगर आप विपरीत में खड़े हैं तो वो कन्विंसिंग पावर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जब भी आप स्वर विज्ञान में ये भी कहा है कि जनरली शिष्य जब गुरु से ज्ञान लेता है तो गुरु हमेशा सूर्य स्वर में ज्ञान दे जब कोई गहरा ज्ञान की बात हो, और शिष्य कभी गुरु के सामने ना बैठे, शिष्य कभी गुरु के सामने ना बैठे उसके राइट हैंड की साइड बैठे। गुरु के सामने कभी बैठा नहीं जाता है। जब आप मंदिर जाते हो तो आपको पता हो कि मूर्ति के आगे स्टैंड लगाते हैं, मूर्ति के आगे स्टैंड लगाते हैं, उसका कारण यह है कि कभी गुरु के या भगवान के सामने नहीं खड़ा हो जाता है, गुण हमेशा साइड से लिए जाते हैं। कई लोगों को वास्तु में एक प्रॉब्लम होगी, वो भी मैं क्लियर कर लेता हूं। हर आदमी कहता है कि जो मंदिर बनाना चाहिए वो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाना चाहिए। मान लीजिए या इस साइड सूरज उगता है सपोज, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है, क्योंकि जब आप वंदना करो तो भैया नॉर्थ या ईस्ट की तरफ करो, ऐसा जैन धर्म में भी लिखा है, वैदिक धर्म में भी लिखा है, क्योंकि ये दो दिशाएं शुभ है, ज्ञानवर्धक है। इसके लिए जब आप प्रार्थना करो तो इन दिशाओं की तरफ होना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, मूर्ति या तो उत्तर की दीवार पे लगाते हो या पूरब की दीवार पे लगाते हो, यही करते हो, पर ये चीज सही नहीं है। काफी सारे लोग भूल कर रहे हैं। वास्तु की 100 बुक्स के अंदर ये बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर होना चाहिए। यह नहीं कहा गया है कि मूर्ति साउथ को देख रही है या मूर्ति वेस्ट को देख रही है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जैसे मान लीजिए ये एक हो गया, एक प्लॉट हो गया, एक घर हो गया, इसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ये हो गया मान लीजिए 10x10, तो यहां पर जो दीवार होगी या यहां पे जो दीवार होगी मूर्ति उस तरफ लगेगी, उस साइड लगेगी। अब आप कहोगे कि अगर हम मूर्ति के सामने देखेंगे तो हम साउथ फेस करेंगे या हम वेस्ट फेस करेंगे, नहीं, अगर मूर्ति नॉर्थ फेसिंग है तो आप ईस्ट फेसिंग खड़े हुई है, अगर मूर्ति ईस्ट फेसिंग है तो आप नॉर्थ फेसिंग खड़े हुई है। इस तरीके से मूर्ति को देखने की दिशा और आपकी प्रार्थना की दिशा दोनों दिशाएं सही होगी। जब गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, मान लीजिए आज वैभवश्री जी आपको प्रवचन देते हैं, ठीक है, तो हम सामने बैठे हैं, इधर ये साउथ देखेंगे आप नॉर्थ देखेंगे, आप नॉर्थ देख रहे हो तो कह रहे हैं ज्ञान लेने वाला सही दिशा में है, ठीक है, और देने वाला है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये तो हो गया ग्रुप ज्ञान। जब गुरु अपने शिष्य को, एक या दो शिष्य को विशेष रूप से ज्ञान देता है तो दोनों को सही दिशा देखनी है, तो उस समय क्या होगा, वैभवश्री जी मान लीजिए पूरब मुखी बैठेंगे और जो उनके शिष्य है वो उत्तर की सम्मुख